अपने चैनल कुकिंग विद गुन्नू मॉम में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई खीर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेवई की खीर। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 चम्मच देसी घी, जो फटाफट कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं। ये 10 मिनट में बन जाएगा और एंजॉय करें अपने फैमिली मेंबर के साथ। तो इसमें बीच में मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट, तो मैंने लिया है काजू बादाम और पिस्ता। आप इसके अंदर सौगी भी डाल सकते हो, नारियल भी डाल सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसमें मैं आप डाल दूंगी सेवई। सेवई आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने छोटे पैकेट ही लिया था सेवई का। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो बीच बीच में हमने हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना जल जाए। अभी हम मैं इसमें डालूंगी 2 गिलास दूध के। तो 2 गिलास दूध डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। इसमें 2-3 उबाल आ जाए तो ये गाढ़ा हो जाएगा दूध। जो हमने इसमें रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डाले हैं, जो उसका टेस्ट है ना वो इसमें बहुत ही अच्छा आएगा और इतने स्वाद लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 2.5 चम्मच चीनी। देखिए अब हमारी सेवइयाँ काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है, दूध भी इसमें गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो मैंने स्टील के बर्तन लिए हैं तो मैं उसमें ही सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो अभी हमारी रेडी है खीर, सेवई खीर। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।